अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बटर चिकन। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 टेबल स्पून ऑयल डाला हुआ है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बटर। बटर डालकर इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट हो जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज स्लाइस में कटी हुई। मैंने 2 छोटी साइज़ के प्याज लेकर उनको स्लाइस में काट लिया था। अगर आपके पास मीडियम साइज़ है तो आप एक डालिएगा। अब यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई करूँगी जब तक कि ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज फ्राई हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा कलर आया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने 2 बड़े लेकर उनका छिलका उतार लिया था और उनको काट दिया था। और अब इन टमाटरों को मैं बिल्कुल थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। टमाटर बस थोड़े से सॉफ्ट ही करने हैं, इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। टमाटर फ्राई हो जाने के बाद अब मैं प्याज और टमाटर को निकाल रही हूँ और मैं इसको ब्लेंडर में डाल के थोड़े से पानी के साथ इसकी पेस्ट बना लूँगी। अब इसी पैन में मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बटर। फ्लेम मैंने इसकी शुरू से अभी तक मीडियम ही रखी हुई है। मेल्ट करेंगे बटर को। बटर मेल्ट हो जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। फ्राई हो जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बोनलेस चिकन 1/2 किलो। अब चिकन को मैं फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और प्याज का पेस्ट जो हमने पहले बना के रखा था। पेस्ट डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून। नमक मैंने यहाँ पे कम ही लिया है क्योंकि जो मैंने बटर लिया था उसमें ऑलरेडी नमक ऐड था, वो अनसॉल्टेड बटर नहीं था। नमक को आप अपने हिसाब में एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मची जर्दे का रंग। जर्दे का रंग या आप इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल सकते हैं। मैं इसमें इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी ये ऐसे ही बनता है। अब यहाँ पे मैं इन सबको अच्छे से कर रही हूँ मिक्स। मिक्स कर देने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पानी और अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाऊंगी जब तक कि चिकन गल जाए। बीच बीच में आपने देखते रहना है, ऐसे नहीं कि फिर जल ही जाए। चिकन अच्छे से गल जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप क्रीम। क्रीम आप कोई भी टेट्रा पैक की यूज़ कर सकते हैं। क्रीम डाल देने के बाद अब मैं इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर येलोइश सा हो गया है। तो अब मैं इसमें दोबारा से ऑरेंज फूड कलर ऐड करूँगी और इसका कलर एडजस्ट करूँगी। तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना मैंने इसमें फूड कलर डाला था और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊँगी। 5 मिनट बाद बटर चिकन बन के तैयार है और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।